तो हमारा गाड़ी फाइनली अभी घर से निकल रहा है और गाड़ी भी जो है काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, तो अभी आप देख सकते हैं। तो फटाफट बैठते हैं और जो हमारा गाड़ी में जो है इंजन लाइट जो है कंटिन्यू जल रहा है। तो पहले हम जहां से 1000 लाइट को चेंज करवाए थे तो शायद वहां से भी वायर का दिक्कत आ सकता है, इसलिए कि हम यहाँ पर करवाए हैं तो वायर जो है हिलने की वजह से भी हो सकता है। तो इसको सबसे पहले हम जाके हम दिखवाते हैं, अगर उससे होता है तो ठीक है, ना फिर हमें यामा के शोरूम में ही जाना होगा क्योंकि ये जो है कंप्यूटर से अपडेट होता है। तो फटाफट हम चलते हैं मैकेनिक के पास में और आप लोग को हम बताते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, अपना गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं और उसके बाद देखिए जब भी ये सब गाड़ी स्टार्ट करे तो कुछ देर जो है ये सब गाड़ी जो है बेसिक्स इसको स्टार्ट करके थोड़ा देर छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले इसको न्यूट्रल करते हैं, न्यूट्रल करने वाला जो है गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देना चाहिए थोड़ा देर, ताकि इसका जो है गाड़ी जो है सुबह सुबह स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि जो है इसका जो मोबिल है इंजन चलता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका भी जो रेस भी जो है वो ज़्यादा है। तो सुबह सुबह जो है गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देना चाहिए, खास करके BS6 जब ये नॉर्मल कंडीशन में होगा तो इसका जो है आवाज़ भी जो है ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं अभी जो है अभी तक इसका रेस ज़्यादा है, जैसी रेस कम होगा तो उसके बाद फिर आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर इससे करने से आपका इंजन पे जो है जोर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। तो अभी आप यहाँ से और जो है आज थोड़ा सा धूप भी काफ़ी कड़ा धूप है, धूप तो कम है लेकिन हार्ट ज़्यादा लग रहा है। तो फटाफट अब हम यहाँ से निकलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो RPM है वो बिलिंग करना भी शुरू हो गया। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं मैकेनिक के पास। हम चल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, बस दूर है यहाँ से थोड़ा, 20 किलोमीटर तकरीबन है, हम दिखाते हैं। फाइनली हम शॉप पर पहुंचने वाले हैं और ये शॉप वाले से सबसे पहले हम बात कर चुके हैं यहीं पे। आप लेट कहिए बड़े भाई, तो खैरियत तो है। ये देखिए ये हमारा खलनायक चचा, कैसे हैं चचा? ठीक है, मजबूर हैं आप? कहाँ है मजबूर है चचा? ये जो मिस्त्री साहब ये कहाँ गए हैं? कब तक आ जाएंगे? फिर भी आधा घंटा। अच्छा एक चीज़ आपसे पूछना था, आप थोड़ा आइए नहीं यहाँ पे, पूछना ये था कि इसमें जो है 1000 रेट उस दिन जो हम लगवाए थे, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है इसका मतलब 1000 रेट लगवाने के बाद एक दिन बाद ये जो लाइट है इंजन लाइट ये जा नहीं रहा आप स्टार्ट करने के बावजूद भी, तो क्या 1000 रेट की वजह से मतलब जो वायर है लूज की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर कोई और दिक्कत है? इसका जो लगाया वही बताएगा इसका वायर। अच्छा अच्छा, तो अभी फ़िलहाल जो है मिस्त्री आया नहीं है, ये दुकान है इनका, और क्या एक्सपीरियंस है वो भी आप लोग को हम बताएंगे अभी थोड़ा देर में, अभी वो मिस्त्री आने वाले हैं। अभी जो शॉप है अभी फ़िलहाल ओपन हो ही रहा है अभी तक, तो एक और जो मिस्त्री है वो उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं क्या है मसला। तो अभी हम जा रहे हैं यामा के शोरूम जिससे हमने 1000 लाइट लगवाया था, तो उनसे पूछे तो बोला कि ऐसा वायर से कोई दिक्कत होता नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल यामा के शोरूम और वहाँ जाके फिर पूछते हैं कि ऐसा दिक्कत क्या आ रहा, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट से ही अगर ऐसा अगर ये प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर अपडेट से ये हो जाएगा, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो वो भी वहाँ पे कंप्यूटर द्वारा वो चेक करेगा, उसके बाद फिर वो बताएगा कि क्या दिक्कत है। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं यामा के शोरूम, उसके बाद फिर आप लोग हम बताते हैं क्या दिक्कत है। हम जो है फिलहाल अभी हम यामा के शोरूम पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा देर और है यहाँ से, 1-2 मिनट का रास्ता है। तो फिलहाल आप यहाँ टेस्ट पे यामा का शोरूम पहुँच चुके हैं और इससे हम डिस्कस करते हैं कि आगे दिक्कत कहाँ आ रही है। अभी फ़िलहाल हम यामा के शोरूम से निकले, तो यहाँ पे अभी मिस्त्री नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ इनसे हमने डिस्कस लिया, तो ये बोला कि हमारे पास मिस्त्री नहीं है लेकिन बेहतर हो कि आप चेक करवा लें, और हमने उसको सारा कुछ बताया कि हमारे जो गाड़ी में उसमें हमें 1000 लाइट लगाया, तो वो भी यही बोला कि शायद उसकी वजह से कोई वायर जो है मिसमैच हुआ होगा तो उसी वजह से लाइट जल रहा है, तो बेहतर हो कि आप इससे मतलब कि करवा लें, ताकि मतलब कि अपडेट करवा लें, और अपडेट करने के बाद जो है उसी में आपको मालूम पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। ये गाड़ी हमारी है और बस यहाँ तो हो नहीं पाया, तो अब इसके लिए हमें जाना होगा
हजारीबाग। तो अब उसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के हमें जाना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी जो नया मॉडल वाला भी यहाँ पे एम टी खड़ी है। तो यार एम टी का बात अलग है, वो सेक्सी गाड़ी है।